मैं हूँ खुशबू और आप देख रहे हैं YND न्यूज। चलिए आज हम बात करेंगे दही हंडी के उत्सव के बारे में। आप सभी को पता है कि मुंबई में दही हंडी का त्यौहार कितने जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आइए हम देखते हैं मीरा भाईंदर में यह त्यौहार कितने जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। हम बात करेंगे परता फाउंडेशन की, जो पिछले 12 सालों से दही हंडी का आयोजन करती है। पिछले हर सालों में यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हाँ, इस धूमधाम में इस साल थोड़ी सी कमी रह गई है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का निधन हो गया। उनको यहाँ श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दही हंडी पर 7,55,555 रुपए का इनाम भी रखा गया। साथ ही यहाँ बहुत से भोजपुरी कलाकार नजर आए, जैसे पवन सिंह गायक, टीवी एक्टर दीपिका सिंह। आइए हम जानते हैं कि परता फाउंडेशन के अध्यक्ष विक्रम प्रताप सिंह जी का इस विषय में क्या कहना। सालों से दही हंडी के लिए बड़े प्रचलित हैं, और मीरा रवाइंदर में आप जैसे दही हंडी कोई नहीं करता, क्या प्रेरणा रही है? मैम, इसमें पूरे प्रताप फाउंडेशन का तथा यहाँ के पूरे मीरा भाईंदर के रहवासियों का इसमें सबसे बड़ा योगदान है कि इतने पीसफुल तरीके से 3 बजे 2:30 बजे चालू हो जाता है और 10 बजे तक लगातार। तो मैं सबसे पहले मैं प्रताप फाउंडेशन के अपने सभी कार्यकर्ताओं का मैं थैंक यू बोलता हूँ, तथा उसके बाद हमारे जितने भी सपोर्टर हैं उनका मैं थैंक यू बोलता हूँ। और आज भी कम से कम 100 से ज़्यादा गोविंदों की टोलियाँ पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों से, बम्बई के अलग अलग क्षेत्रों से, वसई, विरार, थाना, कल्याण, वहाँ से गोविंदा पथक आ ही रहे लगातार जो है। कई बच्चियों का टोली आया, महिलाओं का टोली आया, जो है बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और हम सब आज श्रद्धांजलि दिए अपने एक नेता को। हमारे बीच में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब जो है नहीं रहे, अचानक आज उनका दुखद हुआ, तो हमारा प्रताप फाउंडेशन सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम है, हमारा धार्मिक प्रोग्राम है, इसको हम सब विगत 11-12 सालों से हमारा फाउंडेशन यहाँ पे मनाता है और हर साल इसका प्रारूप बढ़ते जा रहा है। तो मैं थैंक यू बोलूँगा यहाँ के लोकल जो क्राउड है, जो सपोर्टर हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे प्रताप फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का थैंक यू, और स्पेशली मैं मीडिया का थैंक यू बोलूँगा कि मुझे हमेशा से वो सपोर्ट करते रहे। और फिल्म जगत से, भोजपुरी जगत से, मराठी सिनेमा से लोग जो है हमेशा यहाँ पर आते हैं एज ए गेस्ट जो है, और हमारे फाउंडेशन का वो हौसला बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपने एक बैनर लगाया है कौस्तुभ राणे जी, इसके बारे में बिल्कुल, वो शहीद आजम हम कहते हैं, शहीद मीरा भाईंदर है, और हमें अब प्राउड फील होता है जब से कौस्तुभ राणे जो है अमर हुए हैं। निश्चित तौर पे हमारे वो शान है, कौस्तुभ राणे जो है इस देश के सुरक्षा के लिए वो अपने प्राणों की आहुति दिए है। ये शहर उनको हमेशा याद रखेगा, वो अमर रहेंगे इस देश के, इस लाल वो थे, इस मीरा भाईंदर की लाल है, हमें गर्व है, और वो कहीं ना कहीं देश के लिए शहीद हुए। और कौस्तुभ राणे को भी मैं यहाँ पे श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी थे और उनका परिवार यहाँ पे रहता है। तो पूरा देश, पूरा मीरा भाईंदर शहर जो है, हमारा पूरा फाउंडेशन उनके साथ है, और ऐसे वीर सपूतों के साथ हमेशा हमारा फाउंडेशन खड़ा रहता है, और कहीं ना कहीं हमारा पूरा देश, पूरा शहर खड़ा रहा है। महाराष्ट्र में बाढ़ आई हुई है, उस पर आप बिल्कुल देखिए, बाढ़ के लिए हमारा बाढ़ त्रासदी का एक हमारा राहत कोष वहाँ पे बना हुआ है, एक स्टॉल लगा हुआ है। तो मैं सबको, हमारे जो है जो अलाउंसर है उनको अलाउंस कर रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित में जो हमारा कोल्हापुर, सांगली, सतारा में जो हमारे बाढ़ ग्रसित जो एरिया है, उनको हेल्प के लिए हमारे अनाज, नए कपड़े तथा धन यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम मातोश्री में उद्धव जी के हाथ में देंगे, और उद्धव जी के माध्यम से जो है वो धन बाढ़ पीड़ित एरिया में जाएगा। तो प्रताप फाउंडेशन वो काम कर रही है, क्योंकि हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, हमारा संस्कृति भी हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहना चाहिए जो है, ये हमारा हमेशा से प्रयास रहा है। यहाँ पे कौन से कलाकार आए हैं, उनके बारे में जानकारी? अनगिनत कलाकार आए हैं, कुछ स्टार हमारे यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं, कुछ ऑन द वे है, कुछ रास्ते में है, तमाम समाजसेवी, तमाम इस शहर के राजनीतिक लोग यहाँ पे आए। कहीं ना कहीं हम खुशी और गम दोनों के साथ आज ये दही हंडी मना रहे हैं। खुशी है कि कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी है, इतना बड़ा हमारा ये
फेस्टिवल है, हमारे इस महाराष्ट्र का कल्चर है, हमारे पूरे देश का कल्चर है, लेकिन गम है कि हमने आज अपना एक नेता खोया है, अपना एक हीरा खोया है। तो खुशी और गम के बीच में हम ये दही हंडी मना रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं जो है अपने प्रताप फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को फिर से थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू।